दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों औरत की इस एक आदत से पहचानो उसका चरित्र। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि किसी औरत की इस आदत से आप उसका चरित्र कैसे पहचानें। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और अच्छी तरह से समझना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करना और इस जानकारी को दोस्तों के साथ दिल खोलकर शेयर भी कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों चाणक्य की नीति में यह बताया गया है कि स्त्रियों का व्यक्तित्व समझना बहुत मुश्किल है। कहते हैं कि यह जानना कठिन है कि स्त्रियां किस समय खुशी और किस समय दुख महसूस कर रही हैं। दोस्तों कई लोग ऐसा मानते हैं कि स्त्रियों का व्यवहार और व्यक्तित्व समझना इस दुनिया का सबसे कठिन कार्य है। जी हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य बताते हैं कि स्त्रियों की कुछ आदतों से यह समझा जा सकता है कि उनका व्यक्तित्व और चरित्र कैसा है और वह दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार बरतना पसंद करती हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं उन्हीं बातों के बारे में जरा विस्तार से। दोस्तों पहला पॉइंट, धार्मिक कार्यों में रुचि रखना। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिन स्त्रियों की धार्मिक कार्यों में अधिक रुचि रहती है वह बहुत शांत मन की होती हैं। ऐसी स्त्रियां सफलता पाने के लिए बहुत एकाग्र होती हैं। माना जाता है कि ऐसी स्त्रियों को दूसरे लोगों की सफलता और असफलता से फर्क नहीं पड़ता है, वह केवल अपने जीवन के उद्देश्य के लिए ही कार्य करती हैं। दोस्तों दूसरा पॉइंट है आलस्य से चूर रहना। बताया जाता है कि जो स्त्रियां आलस्य से चूर रहती हैं उन्हें जीवन में सफलता हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों माना जाता है कि ऐसी स्त्रियां बहुत मुश्किल से अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाती हैं। इन्हें परिवार के सदस्यों से बहुत अधिक प्रेम मिलता है लेकिन समाज में रहने वाले अन्य लोग इन्हें पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है ईर्ष्या करने वाली स्त्रियां। माना जाता है कि जिन स्त्रियों में ईर्ष्या का भाव रहता है वह चतुरता से स्वयं कामयाबी हासिल कर लेती हैं लेकिन दूसरों की सफलता के रास्ते में अड़चने पैदा करने का काम करती हैं। बताया जाता है कि ऐसी स्त्रियों पर जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि समय आने पर यह आपके साथ भी छल कर सकती हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है अनुशासन में रहना। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो स्त्रियां अनुशासन में रहती हैं वह बहुत जल्द कामयाबी हासिल कर लेती हैं। ऐसी स्त्रियां दूसरी स्त्रियों के लिए भी प्रेरणा बनती हैं क्योंकि यह अपने सभी ज़रूरी कार्यों को समय पर पूरा करती हैं और इस वजह से परिवार वालों का प्यार पाने के साथ ही अपने कार्य क्षेत्र पर भी सम्मान पाती हैं। तो दोस्तों ये थे आचार्य चाणक्य जी के कुछ महत्वपूर्ण अनमोल वचन जो वीडियो के माध्यम से हमने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोज़ाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मिले सबसे पहले। चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ अगले दिन किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।